अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शफीक खान अर्ज़ कर रहा हूँ यूएस से। आप तमाम दोस्त अहबाब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मुझे जल्दी में बनानी पड़ी, जो वाक़या हुआ फ़लस्तीन में, यानी क़िबला अव्वल में, और वहाँ पे यानी बैतुल मुक़द्दस में जो वाक़या कल हुआ, और इसराइली फ़ौज ने वहाँ पे निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों पे जिस तरह उन्होंने हमला किया और उनको गोलियों का निशाना बनाया, जिसमें सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए, सैकड़ों लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हुए और बहुत सारे लोगों की शहादतें भी हुई। मेरे भाई दोस्तों, ये सिलसिला कितने सालों से चलता आ रहा है और पता नहीं कब जाके रुकेगा। इंतहा हो गई है, वो वीडियोस देखी नहीं जा रही कि इस बाबरकत महीने को देखें, एतिकाफ़ में लोग बैठे हुए हैं और ये आखिरी अशरा चल रहा है और जुम्मे की शाम और ये वाक़यात जो कुछ हुए हैं ये आपके सामने हैं, जिस पर हमारे 55 या 60 मुल्क हैं मुसलमानों के, उसमें से किसी ने इसके ऊपर कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने कोई ऐसा उस पर रद्द अमल नहीं दिखाया। तमाम अपने 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 कामों में बिज़ी हैं और ये सिलसिला कंटिन्यू चल रहा है और इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकल रहा। मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी करके लोग इसके लिए आवाज़ उठाएँ, अपने तई आवाज़ उठाएँ, अपनी हुकूमतों से कोई ऐसी तवक्का ना रखें, उनसे ना हमें कोई तवक्का पहले थी, ना अब है, ना इसके बाद है। यहाँ तक कि हमारे आर्मी चीफ और हमारे वज़ीर आज़म सऊदी में बैठे हुए, वो वहाँ पर भीख और खैरात और फितरा जमा करने के लिए गए हैं और उनसे थोड़े ही फासले पे ये सारा वाक़या हुआ है। सऊदी हुकूमत ने उसके ऊपर कोई बात नहीं की, कोई बयान नहीं दिया, कोई ये नहीं कि दाद रसी पूरी दुनिया में नहीं हो रही। और ख़ास कर सऊदियों से तो उम्मीद रखना ऐसा है जैसे आप किसी कट्टे से ही उम्मीद रखें कि वो आपको दूध देगा। तो ये तो यहूदियों से भी दो हाथ ऊपर हैं। ये सऊदी जो मतलब ये जो उनकी बादशाहत है और उनकी नस्ल जो छाई हुई है इर्द गिर्द, साथ ये दुबई या दूसरी जितनी खलीजी रियासतें हैं, उन्होंने तो ये तो सब उन सब ने तो उनको राम राम किया हुआ है, यानी कि वो तो सजदे में झुके हुए हैं, इसराइल के सामने झुक के बैठे हुए। ये इतना कुछ हो रहा है, कोई वो वहाँ आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई ऐसा मुस्तकिल कोई इकदाम नहीं हो रहे कि भाई ये जान छूटा, ये 70 सालों से ये सिलसिला वहाँ पर चल रहा है और वो उनकी ज़मीनों पे काबिज़ हैं और जब चाहें, चाहे वो रमज़ान हो बग़ैर रमज़ान के हो, हम देख रहे होते हैं कि उनके ये जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और एक तरफ वो निहत्ते कश्मीरी बहन भाई और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि वो उनके पास दुनिया की मॉडर्न गन्स पकड़ी हुई हैं और वो गोलियों को निशाना बना रहे हों, घसीट रहे हों, धक्के मार रहे हों, बूढ़ों को, बच्चों को, ख़वातीन को, किसी का कोई यानी यहाँ पर वो हुकूक की जो तंजीमें होती हैं वो भी गूंगी हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, मीडिया भी उन्हीं का है। बस हमारे इसी तरह ये ग्रुप्स के में ये वीडियोस चल रही हैं, लोग इस पर जो है थोड़ा बहुत जो है अपने इज़हार कर रहे हैं, मगर कोई ऐसा मुस्तकिल मुझे कोई वो समझ नहीं आ रहा कि हमारे हुक्मरान जितने भी हैं, मैं तो अरब वालों से तो मैं बिल्कुल ही यानी कोई तवक्कुल ही रखता हूँ। थोड़ा बहुत जो तुर्की के सदर हैं तैयब एर्दोगान साहब, वो थोड़ा वो इस पर अक्सर स्टेप ले उठाते रहते हैं, हमारे वाले भी ख्वाब खरगोश की तरह, और आवाम है, हम पाकिस्तानी आवाम हमारी जो है या दो चार मुल्कों की है, वो उस पर अक्सर बात करते रहते हैं कि भाई ये फ़लस्तीन का मसला है, अफगानिस्तान का मसला है, कश्मीर का मसला है, इनके ऊपर जो है वंश वाले आवाज़ लोग उठाते हैं, वरना कोई नहीं, कोई कुछ नहीं करता। मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि भाई मजबूर किया जाए इन लोगों को, तमाम फ़लस्तीनी भाइयों से भी दरख्वास्त है कि हम उन्हें बाहर दूसरे मुल्कों में देख रहे हैं, पर फ़लस्तीनी आपको तमाम आपको यूरोप अमेरिका में मिलेंगे और उनकी हमने तर्ज़ ज़िंदगी भी देखी है, उनसे मुलाकातें भी रही हैं। मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि भाई, और उनसे हम अक्सर ये कहते भी रहते हैं कि आपको ख़ुद आगे बढ़ के स्टेप उठाना पड़ेगा, आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। जिन जिन इलाकों में, जिन जिन मुल्कों में मुसलमानों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, चाहे वो अफगानिस्तान है, कश्मीर है, फ़लस्तीन है, शाम है, जहाँ जहाँ भी हो रही हैं, सबसे पहले वहाँ की आवाम को उठना पड़ेगा और उनको लीड करना पड़ेगा। अगर वो इसी तरह आस लगा के बैठे रहे कि ये इस्लामी मुल्कों के सरबराह ये लोग आएंगे, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये इस वक्त ये वो नींद की गोलियाँ खा के सोए में, इन्हें तो अपने मुल्कों की खबर नहीं है, अपने घरों की खबर नहीं है, ये आपकी खबर क्या लेंगे। अब यहाँ आपको कोई दूसरा मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन ज़ियाद और ग़ज़नवी साहब आपको नज़र नहीं आएंगे। अवाम में से कोई उठे तो उठे,
और आप देख लें कि निहत्ते हमारे बहन भाइयों को किस तरह मारा जा रहा है और कोई उसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। ग्रुप्स में हर आदमी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है कि उनका इमरान खान, उनका नवाज शरीफ, उनका जरदारी और उनका, इसी तरह सब अपने अपने ग्रुपों को, अपने अपनी अपनी पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने लीडरों की बातें हो रही हैं। आपके बहन भाइयों को और इस बाबरकत महीने में वो कहते ना कि नेजे की नोक पे रखा हुआ है, गोलियों की बुछाड़ें की जा रही हैं और मुसलमान जो हैं वो इसी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं कि कोई आएगा उनकी मदद करेगा। हर किस्म की पाबंदी लगी हुई है, कोई हेल्प वहाँ पे जा नहीं सकती, बस ये दुआएं रह जाती हैं, दुआएं कर सकते हैं, इसी तरह बैठ के कुड़ सकते हैं। और ये हिजड़े जो जितने लीडर हैं, ये खासकर ये अरब मुल्कों के जितने भी ये जो अरब ममलकतें बनी हुई हैं, इन्होंने तो उनकी ग़ुलामी कबूल कर ली है, उनसे सफारती ताल्लुकात बनाए हुए हैं, बल्कि हमारे भी यहाँ आवाज़ उठती है, हमारे वाले भी उनसे मिलते जुलते हैं। वो कहते हैं कि इसमें क्या बुराई है कि इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात होने चाहिए, कारोबार होना चाहिए। वो कारोबार की बात करते हैं, बिज़नेस, पैसा, लेन देन, कर्ज़े लेना, इनकी बात नहीं करते, और हुकूक की बात नहीं करते, अल्लाह रसूल की बात नहीं करते। अल्लाह ताला हमें इन बेगैरत लीडरों से हमारी जान छुड़ाए, हमारे भी और दुनिया में जितने भी और भी जो मुसलमान मुल्कों के ज़ालिम लीडर जो कब्ज़ा करके बैठे हैं, अल्लाह इन सब से हमारी जान छुड़ाए। और हमारी दुआ है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला कोई ग़ैबी ताकत, वो इनकी जान छुड़ाए। कश्मीर के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान, सीरिया के मुसलमान और जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर तकलीफ़ें हैं और मुसलमान इन मशाकिल से गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी और रास्ता निकालें, और जो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए उनकी मदद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला और हिम्मत दें। खुदा रा मेरी इस आवाज़ को औरों तक पहुँचाओ, उठो उठो, इन अपने लीडरों को जूते मार के निकालो कि ये ख़ुद भी बुजदिल हैं और आवाम को भी बुजदिली का सबक दे रहे हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं कि इनकी आवाम के साथ क्या हो रहा है। ये स्टेप हम ही ने उठाना है, किसी और ने नहीं उठाना। लिहाजा अपना खास ख्याल करें, अपने दुआओं में याद रखें इन तमाम मुजलूम बहन भाइयों को, और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएगी और इंशाल्लाह अल्लाह हमेशा हक के साथ है और हक की फतह होगी। अपना खास ख्याल कीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मैं रबते में हूँ। अल्लाह हाफिज़।